अपने कार और बाइक को एक नया लुक, एक नया रेनोवेशन देना चाहते हैं, तो चले आइए गो डिटेल्स में, डिटेलिंग में। एक प्रीमियम डिटेलिंग स्टूडियो है कार और बाइक्स के लिए, जहाँ पे ये लोग बहुत ही डिटेल्ड वे में अपने कार, आपके कार और बाइक्स को एक नया लुक देते हैं। और इसके बारे में और भी बातें बताऊंगी। ये सबसे पहले इसका एड्रेस है, एड्रेस ये है कि ये है आपके नॉर्थ इक्तियासर ईस्टर्न बाईपास रोड के बानेश्वर मोड़ पे। तो ये एकदम ऑन हाईवे है और ज़्यादा आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी नाइस पॉइंट। दूसरा बात यह है कि ये एक सिलीगुड़ी में एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपके हर एक कार या बाइक्स के छोटे छोटे डिटेल्स को ये लोग बहुत ही अच्छे से तरह से और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी यूज़ करते हैं ये लोग, जो कि यहाँ इंडिया में भी नहीं पाया जाता है। और इसके बारे में और भी डिटेलिंग जो है वो हम यहाँ के CEO से बात करेंगे और इसके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो सिलीगुड़ी में जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं गो डिटेलिंग के बारे में, सर आप प्लीज़ पहले अपना तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रतीक मुखर्जी है, मैं सिलीगुड़ी का ही हूँ। मैं बोल सकते हैं इंचार्ज ही हूँ स्टोर का, मैं देख रहा हूँ इधर। हम लोगों का ये पूरा डिटेलिंग स्टूडियो है, जो सबका, हम लोगों का, इंसानों का सजने का जो जगह होता है, मतलब मेकअप स्टूडियो बोलते हैं, तो ये कार का मेकअप स्टूडियो है, ये है गो डिटेलिंग का स्टूडियो। सर इसके बारे में इसका आप थोड़ा हिस्ट्री और मेरे को, हम सबको बता दीजिए कि ये आया कहाँ से और इसका कॉन्सेप्ट आप लोग कैसे सिलीगुड़ी में लेके आए। एक्चुअली हम लोगों का जो कंपनी है रेवोल्यूशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल बेस्ड कंपनी है, मुंबई का कंपनी है, हर जगह इंडिया का सब जगह हम लोगों का काम होता है। हम लोगों का 2-3 ब्रांड है, गो वाटर है, गो वाटरलेस है, और ये है गो डिटेलिंग, ये स्टोर कॉन्सेप्ट में है। जो गो वाटर मतलब उधर पानी का काम होता है, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, और दूसरा है गो वाटरलेस, जो डोर स्टेप में हम लोग कार का ड्राई क्लीनिंग का सर्विस देते हैं, वाटरलेस क्लीनिंग करते हैं, जो पानी बचा के कार का क्लीनिंग होता है। और ये प्रोडक्ट भी हम लोगों का, कंपनी का खुद का है, हम लोग मार्केट से उसको परचेज नहीं करते, खुद का इनोवेट किया हुआ प्रोडक्ट है ये। और दूसरा है हम लोगों का ये गो डिटेलिंग, गो डिटेलिंग हो गया कार का वॉशिंग, डिटेलिंग हर तरीके का वॉशिंग होगा, जितने तरीके का वॉशिंग होता है, और डिटेलिंग बेसिक एडवांस हर तरीके का डिटेलिंग वर्क इधर होगा। और ये पेंट प्रोटेक्शन का काम होगा, जो होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बोलते हैं, गाड़ी का पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी रहेगा, सेरामिक कोटिंग भी रहेगा। जो फैसिलिटीज़ अभी सेरामिक कोटिंग ज़्यादा चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो सारा चीज़ इधर अवेलेबल मिलेगा, तो इसके लिए बाहर किसी को जाना नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका लाने का क्या मकसद था? एक्चुअली हम लोग देख रहे थे, मेरा खुद का भी कार है, तो हम लोग का मतलब एक अच्छा क्वालिटी का सर्विस के लिए सोचना पड़ता था कि इधर मिलेगा कहाँ मिलेगा, फिर बाहर भी जाना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, रैपिंग और एडवांस डिटेलिंग, PPF कोटिंग, सेरामिक कोटिंग, ये सब के लिए। तो इसी चीज़ में हम लोग जो एडवांस्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो मतलब एकदम सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से हम लोग डिटेलिंग का, पॉलिशिंग का काम करेंगे। और एक्चुअली जो अवेबिलिटी नहीं है, जिसके लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट इधर आने लाने से सबको ये सर्विस अपना घर के सामने ही मिलेगा, किसी को बाहर नहीं जाना होगा, तो इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग ये स्टोर इधर लाए। सर इसका एक डेमो हम लोग देख सकते हैं? श्योर श्योर श्योर। गाड़ी का क्या होता है, एक्चुअली हम लोग नया गाड़ी जब खरीदते हैं, एक नया पेंट रहता है, तो इसके बाद उसको चलते चलते गाड़ी को, और दूसरी बात है जो बारिश के टाइम में भी वाटरमार्क आ जाता है गाड़ी में, और एक वॉशिंग से, रेगुलर वॉशिंग से क्या होता है, इसके ऊपर एक कैल्शियम आ जाता है, तो गाड़ी का जो अभी वाइटनेस है वो चला जाता है, वाइट गाड़ी का, रेड गाड़ी का थोड़ा फेडेड लगता है, ब्लैक में वो शाइन चला जाता है, जो शाइन के वजह से हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। तो उस, ये सारे चीज़ को अगर मेंटेन करने के लिए ही ये डिटेलिंग वर्क है। अभी इस गाड़ी में आप लोग देख सकते हैं कि ये गाड़ी में है कि पूरा कालापन आ गया, मतलब ये गंदा किया हुआ नहीं है, कि बहुत दिन चलते चलते वॉशिंग के वजह से ये देखिए उठ नहीं रहा है, मतलब ये पूरा बैठ गया है पेंट के ऊपर। तो हम लोग वो डिटेलिंग एंड पॉलिश के ज़रिए इसको क्या किए,
पहले जैसे जो गाड़ी का नया जब हम लोग लिए थे उस टाइम जो कलर था वो कलर में इसको लाए। एक्चुअली हम लोगों को तो ये कलर में चाहिए, गाड़ी फ्रेश रहेगा तो दिखने में भी अच्छा लगता है। जैसे हम लोग भी मतलब वेल ड्रेस्ड होके निकलते हैं कि अच्छा लगे, माइंड भी ठीक रहता है, तो कार भी चाहिए वैसा कि फ्रेश कंडीशन में रहिए। और दूसरा बात है अभी जो हालत है कार में क्या होता है, फैमिली भी रहता है, सिर्फ हम नहीं, हम लोगों के साथ हम लोगों का फैमिली रहता है, तो इसका हाइजीन भी मेरे ख्याल से मेंटेन करना चाहिए कि कार गंदा ना हो, बाहर से भी क्लीन रहे अंदर से भी क्लीन रहे, तो एक लुक रहता है उसमें, तो इसीलिए वो डिटेलिंग वर्क है। तो ये जो है पेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपका पेंट ख़राब हो गया था गाड़ी का उसको फिर नया वाला कलर में इसको ला रहे हैं गाड़ी को, ये डिटेलिंग वर्क है। ओके थैंक यू सर। तो चलिए गो डिटेलिंग के जो सीईओ है उनसे हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट और इस नए चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हाय सर। हाय हाय। हाउ आर यू एंड हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको ये खोल के? आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड कंप्लीट सैटिस्फाइड कि ऐसा एक डिटेलिंग स्टूडियो हम सिलीगुड़ी के ऑडियंस के लिए बना पा रहे हैं। सो पहले मेरे को पहला सवाल मैं आपके लिए ये है दैट व्हाई डिड दिस कॉन्सेप्ट हिट योर हेड और आपने इसको इधर खोला? यस एक्चुअली कंसेप्ट एक्चुअली हमारी जो कंपनी है ये नवी मुंबई बेस्ड कंपनी है और ऑलरेडी हमारे पुणे में भी डिटेलिंग स्टूडियोज है। अभी हम बेंगलोर में आ रहे हैं, पुणे में एक और डिटेलिंग स्टूडियो आ रहा है, मल्टीपल सिटीज में हम आ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि अभी वन ईयर के अंदर हमें 100 स्टूडियोज ओपन करने पैन इंडिया। तो सिलीगुड़ी का टारगेट हमने ऐसा चूज किया कि ऑलरेडी हमारे एक और वर्टिकल है गो वाटरलेस के नाम से, जो एक साल से चल रहा है, अभी एक साल कंप्लीट हुआ है गो वाटरलेस को सिलीगुड़ी में। तो गो वाटरलेस का रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया। गो वाटरलेस क्या कंसेप्ट है कि हम बिना पानी के कार वॉश करते हैं और इसका इंट्रोडक्शन हमने सिलीगुड़ी में हमने किया और पैन इंडिया भी जो प्रोडक्ट हमारे पास में है जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं हमारे कंपटीशन में कोई भी और दूसरी कंपनी नहीं है। यहाँ पे सिलीगुड़ी में उसकी सर्विसेज ऑलरेडी एक साल हो चुकी है, सक्सेस मिल चुका है, कस्टमर बेस बन चुके हैं। अब कस्टमर को प्रीमियम सर्विसेज भी चाहिए क्योंकि जो क्लीनिंग की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं दो स्टेप पे, अब उनको डिटेलिंग के सर्विस चाहिए, हाई एंड सर्विसेज चाहिए। तो वो कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट हमें आ रही थी कि हमें ये सर्विसेज भी चाहिए, आज की डेट में जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस के लिए उनको कोलकाता जाना पड़ता था, नियरेस्ट स्टूडियो कोलकाता में है। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, काफ़ी बड़ा मार्केट है जिसे हम सर्व कर सकते, तो वो एनालिस करके हमने यहाँ पे एक डिटेलिंग स्टूडियो डालने का फैसला किया और अभी आज रेडी है डिटेलिंग स्टूडियो हमारा। सर तो एक और चीज़ है, आपने जैसे बोला कि आप लोगों ने सिलीगुड़ी को एज अ बेस करके रखा, तो व्हाट आर द एरियाज आप लोग कवर करने जा रहे हैं इस सिलीगुड़ी का? जो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अप टू कोलकाता या नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा कोई स्टूडियो नहीं है, पटना में स्टूडियो नहीं है, बिहार में स्टूडियो नहीं है, झारखंड में ऐसा जो लेवल जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें ऐसा स्टूडियो अभी काफ़ी दूर तक नहीं है। तो बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है और सिलीगुड़ी एक अच्छी टाउन है, कनेक्टिविटी है, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है, सिक्किम की है, दार्जिलिंग की है। सिक्किम के हमारे बहुत सारे ऑलरेडी पाइपलाइन में कस्टमर्स हैं जो यहाँ के सर्विस लेना चाहते हैं। हमारे लॉन्चिंग के पहले ही हमने इतना हाइप अभी क्रिएट कर दिया था कि अभी बुकिंग्स हमारे पास में बहुत आ चुकी है, तो कस्टमर्स रेडी हैं सर्विस लेने के लिए, दूर दूर से कस्टमर आ रहे हैं, प्रीमियम गाड़ियां हैं सारी, जो भी कार लवर्स हैं प्रीमियम जो केयर करना चाहते हैं अपनी गाड़ी का, उन सब के लिए हमारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करना चाहते हैं और उनकी मतलब कस्टमर बेस बहुत अच्छा है सिलीगुड़ी में, इसलिए हमने सिलीगुड़ी को चूज़ किया क्योंकि कोलकाता के नियर ओपन करते तो कोलकाता में ऑलरेडी है, तो कोलकाता से दूर सिलीगुड़ी वाले एरिया पे या नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया पे कोई भी नहीं। पिंग कंपाउंडिंग जिसे हम बोलते हैं वो सारी चीज़ें करेंगे, ये सारा सर्विसेज भी अवेलेबल है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्रीमियम सिर्फ एक सेगमेंट ही कर रहे हैं, हम सारे सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं, मतलब एक वॉशिंग से लेके एक कोटिंग तक का, एक पीपीएफ फिल्म्स और रैपिंग तक का पूरा प्रोसेस और पूरा पूरी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। सो ये जितने भी प्रोसेस जो आपने बताया है तो ये मतलब अगर एक नॉर्मल ये आपके यहाँ पे जो वर्कशॉप होगा आप लोग कार को जब रखेंगे तो ये क्या वन डे सर्विस है या फिर यू हैव टू कीप द कार्स फॉर
2-3 days सर? यस, एक्चुअली डिपेंड करता है सर्विस के लिए. जैसे वॉशिंग के लिए गाड़ी अगर कोई आती है तो वॉशिंग तो ठीक है, 1-2 घंटे में क्लीनिंग हो जाती है. डिटेलिंग के लिए अगर गाड़ी आती है, जैसे अगर इंटीरियर बहुत ज़्यादा गंदे, उसको डीप क्लीनिंग करनी है. गाड़ी के अंदर से फॉल्स मेल आ रही है उसको ठीक करना है, एसी के अंदर से बैड ऑडर आ रहा है उसको ठीक करना है, पेंट में करेक्शन करना है, तो वो लेवल ऑफ जो क्लीनिंग होती है ये तो दिन भर का समय लगता है. लेकिन उसके ऊपर वाला लेवल क्या होता है कि एक बार आपने पेंट करेक्शन कर दिया, फिर कस्टमर्स को ये चाहते हैं कि उनकी गाड़ी प्रोटेक्टेड रहे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक प्रोटेक्टेड रहे, बार बार उनको डिटेलिंग ना करवाना. उसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर चढ़ती है जिसे हम सेरामिक कोटिंग बोलते हैं. और ये सेरामिक कोटिंग का बजट भी एक है. और प्रीमियम कस्टमर्स है जो फिल्म्स करवा सकते हैं जिसे पीपीएफ हम बोलते हैं. वो पीपीएफ वाले जो कस्टमर्स हैं वो पीपीएफ के लिए हम पीपीएफ की भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. तो जो डिटेलिंग के ऊपर सेगमेंट की जो भी चीज़ है, डिटेलिंग तो 1 दिन में हो जाता है, और जो उसके ऊपर का है उसमें 2 दिन का समय लगता है. 2 दिन तक का उनको गाड़ी यहाँ पे ड्रॉप करना रहेगा. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू, एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू. फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, जैसे कि हम लोग ने अभी बहुत सारे डिटेल्स हम लोग को मिल गए, तो आप लोग भी किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, आ जाइए गो डिटेलिंग में. बानेश्वर मोड़ सिलीगुड़ी में है, और आइए अपने कार को और अपने बाइक्स को एक नया लुक दीजिए अपने पूजा के लिए. पूजा में आपका गाड़ी लेके बाहर निकलेंगे, एंड बुकिंग्स जो है वो ओपन है, एंड आप बुकिंग के लिए कॉल कर सकते हैं 9198000107 या 7679619406 पे. थैंक यू सो मच. विद दिस adios everybody.